बड़ा अच्छा वक्त गुजारा मैंने, मतलब मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं दोबारा भी आ सकता हूँ। अगले इंतखाबात में आप आजाद या किसी जमात से इलेक्शन लड़ेंगे या अपने 48 आवर्स पहले आपने पीटीआई से आपने अपने राहें जुदा की, आप रोए भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या जज्बात थे, हुआ क्या था, आपने एक नगमा पढ़ा? मैंने पीटीआई में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा, लीडरशिप के साथ, कारकुनान के साथ, बेशुमार आपका मोहब्बत होती है, प्यार होता है, आप साथ चले हुए होते हैं, आपके कोलीग्स होते हैं, पिछले 12-13-14 साल से मैं उनके साथ काम कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहा था, मगर जो भी ये वाक्या हुआ 9 मई वाला और दीगर इशूज़, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे, चूँकि मैंने जैसे कहा कि मैं आया था पॉलिटिक्स में कुछ डिलीवर करने, मुझे उसका मौका कहीं दूर दूर तक अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने मतलब मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मैं दोबारा भी आ सकता हूँ, लेकिन फॉर नाउ जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया था, मैं अपने आप को पॉलिटिक्स, आपको किसी ने डराया या धमकाया तो नहीं? अगले इंतखाबात में आप आजाद या किसी जमात से इलेक्शन लड़ेंगे या अपने आप की कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली कर दी है? मैंने बाय गॉड मैं थोड़ी देर के लिए मैं रिलैक्स करना चाहता हूं। मैंने वायलेंस को भी हमेशा कंडेम किया। एक बंदे ने रैली के दौरान ये बात की थी कि दिल करता है हम खुद कुछ बन जाए, तो मैंने उसकी वो क्लास की थी कि मेरे साथ के दो साथ भी यार।